हाँ शेख, मेरा सवाल था क्या, जैसे कि लोग कार्ड जो है प्रिंट करवा के तकसीम करते हैं शादी का इनविटेशन कार्ड, तो क्या उसके जगह पे कुछ इस टाइप का पीडीएफ वगैरह, यानी 2-3 पेज का जो है सुन्नत निकाह से रिलेटेड जो है छपवा करके, शादी के फायदे, सुन्नत निकाह के फायदे, दहेज हराम है, इस टाइप का चीज जो है वो छपवा करके क्या हम लोग तकसीम कर सकते हैं? जजाक अल्लाह। देखिए, शादी की जो दावत देना या उसकी इत्तला देना, उसकी तारीख बताना, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक वसाइल से है। जैसे शादी में बुलाना, वलीमे में बुलाना सुन्नत है, वलीमा करना सुन्नत है, उसमें दावत देना सुन्नत है, उसमें दावत के लिए हाजिर होना ये सुन्नत है, ये सारी चीज़ें इबादत हैं। अब उस इबादत के लिए या उस दावत के लिए लोगों को बुलाने का तरीका क्या होगा, ये तरीके का ताल्लुक वसीला से है, वसायल से। और वसायल जो होते हैं वो तौकीफी नहीं होते हैं, वसायल इज्तिहादी होते हैं, वसायल का ताल्लुक उर्फ और आदत से होता है। कहीं पर दावत देने का कोई तरीका होता है, कहीं पर तरीका यह है कि घर घर जाकर के आदमी बताए, कहीं तरीका है, कुछ जमानों में ऐसा तरीका था कि लोग कार्ड बांटते थे, अभी व्हाट्सएप का और सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, लोग जो है एक मैसेज भेज करके दावत दे देते हैं, कार्ड जो है पीडीएफ की शक्ल में भेज देते हैं। तो मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ तरीके पाए जा रहे हैं, और इन तरीकों के अंदर अगर कोई शरई ममानियत ना पाई जाए तो सारे तरीके जायज हैं। हमारे वक्त में, हमें याद है कि पहले आज से 10-20-25 साल पहले शादियों की दावत बाकायदा एक आदमी को भेजा जाता था, आदमी को भेजा जाता था और वो कोई चीज अलामत के तौर पर वहां पर दे के आता था, चाहे कोई रुक्का हो या कोई चीज हो, खाने पीने की चीजें भी दी जाती थी और इस बात की अलामत होती थी कि आपको शादी के लिए बुलाया जा रहा है। तो इन सारी चीजों में अगर कोई शरई कबाहत नहीं पाई जा रही है, गैर कौमों की मुशाबहत नहीं पाई जा रही है, शरीयत के किसी हुक्म की मुखालफत नहीं पाई जा रही है, तो ये तरीके जायज हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। आपने ये जो बात की कि कार्ड के ऊपर जैसे कुछ कुरान या अहादीस लिख दी जाए सुन्नत से मुतालिक, शादी से मुतालिक, इसमें भी कोई हरज नहीं है, बशर्ते कि वो जो कार्ड है अगर ये तरीका अख्तियार किया जाए तो इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि उस कार्ड पर जिसपे आपने कुरान की आयतें लिखी है, आपने हदीसें लिखी है, कहीं ऐसा ना हो कि उस कार्ड को इस तरह से उसके साथ मुआमला किया जाए कि उसमें कुरानी नसूस की तौहीन हो। बहुत सारे सारे लोग शादी का कार्ड कहीं भी फेंक देते हैं, यहाँ तक कि गंदी जगहों पर भी फेंक देते हैं। तो लिहाजा अगर इस तरह का कोई मसला है तो उससे बचना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा रिवाज पा जाए समाज में कि लोग जो है शादी के कार्ड पर हदीसें लिख देते हैं ताकि लोगों की तस्कीन हो, उससे मुतालिक लोगों को दावत देने का एक तरीका है खास, दीन की दावत देने का, इस तरह का अगर तरीका अख्तियार किया जा रहा है और इस बात की रियायत के साथ कि उन नसूस की और शरीयत के शायर की बेहरमती ना होने पाए, तो इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज की बात नहीं है।